11 अप्रैल को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के गांव जिम के निवासी गुलाम कादिर सनौफ मोहम्मद दिन भारत की सीमा में आ गए थे, जिनको आज पाकिस्तान अथॉरिटी को सौंपा गया। बीती रात सतवारी चौक से सटे नहर किनारे बनी सब्जी मंडी में संदिग्ध परिस्थितियों में रात करीब 2 बजे आग लग गई, जिसमें 16 रेहड़ियां बिल्कुल ही जलकर राख हो गई और 3 दुकानों के अंदर रखा सामान भी जल गया और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। वहीं सुबह खबर मिलते ही पूर्व मंत्री रमन भल्ला मौके पर पहुंचे और आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। रमन भल्ला ने पीड़ित रेहड़ी और दुकानदारों से बात की और उन्हें ढाढ़स बढ़ाया कि वो प्रशासन से बात कर उनको उनके नुकसान का उचित मुआवजा दिलवाएंगे। पानी नहीं पीता मैं, क्यों? बच्चे की फीसा कटनी, मैं सारा कुछ कर रहा हूं, जो भी मेरा काम है, एक कारोबार मेरी ही है। ये मेरा नुकसान हो गया, मैं कहां जाऊंगा? मैं आपको, बच्चे मेरे भूखे बैठे ना घर, मैं आपको बैठे भूखा कहले, ये बच्चे खान, मैं खाँगे तो बच्चे खाएंगे ना, वो भी नहीं खा सकते। क्यों? मैं ये गुजारिश करना गवर्नर अगे, सारे अगे गुजारिश करना कि जिन्ना भी नुकसान हुआ बेचारे का, मेरे भ्राएं का, कि थोड़ा थोड़ा इन्हें मुआवजा लभी जाए कि अपना कारोबार चलाने। जय हिंद। इस नरवाल पाई में सब्जी मंडी में आगजनी की वारदात, यहाँ पर इन लोगों का नुकसान काफ़ी हुआ। इनके पास था भी कुछ नहीं और नुकसान होने के बाद हमारी तो यही कोशिश होगी कि ये दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो पाए और सरकार के प्रशासन से SDM साहब से भी कहा था और वो खुद भी उन्होंने विजिट यहाँ पे की कि फौरी तौर पे किसी ना किसी ढंग से जो आगजनी की वारदात जो नुकसान हुआ इमीडिएटली लिस्टें बना के इनको राहत दी जाए। रेवेन्यू अथॉरिटीज को फोन अप यहाँ पे करें और वो लिस्टें बना रही है, कोशिश करेंगे कि DC पूरी तौर पे इनको मुआवजा दे पाए, क्योंकि ये यही दिन थे इनके कमाई के। अब नवरात्रे के दिन यहाँ पे चल रहे हैं, रोजे यहाँ पे हैं, इनका काम धंधा कहीं को दूसरा कोई रास्ता है नहीं, तो हर एक लिहाज में परिवार वालों को भी नुकसान यहाँ पे हुआ। तो हम तो हमदर्दी का आज़ाद प्रशासन से यही गुहार लगे कि ऐसी वारदात दोबारा ना हो पाए, जाँच की जाए भी किस वजह के कारण दुकानों के अंदर भी आग चली गई, 3 दुकानदार उनका भी नुकसान यहाँ पे हुआ, पूरी असेसमेंट कर रहे हैं। मेरे ख्याल लाखों में नुकसान यहाँ पे होगा पूरे सारे लोगों को, 15 से बड़ी और 15 लाख के करीब नुकसान यहाँ पे हुआ। तो रेवेन्यू एजेंसी का फर्ज बनता है कि इमीडिएटली है और वो आए भी, लेकिन इनको सिर्फ लिप सर्विस नहीं, फौरी तौर पे इनको कम से कम फाइनेंशियल हेल्प यहाँ पे मिल पाए ताकि ये अपना काम दोबारा कर पाए। ये कोरोना की बीमारी से ऑलरेडी इनको काफ़ी नुकसान यहाँ पे हुआ, वहाँ तो लगाते थे कि इकोनॉमिक पैकेज इन सबको लोगों को यहाँ पे मिले पिछले लॉकडाउन के माध्यम से, तो वैसे इनका गुजारा मुश्किल था और आज भी इस दौर पे भी जब ये कोरोना मार के साथ ये दूसरी आफत इन पर पड़ी, तो इसलिए कोई ना कोई रास्ता यहाँ पे निकालना जरूरी तौर पर एज ए स्पेशल केस पूरी तौर पर इनको रिलीफ यहाँ पर दे पाए ताकि इनका काम धंधा यहाँ पर चले। हम तो हमदर्दी का काम, हमारी सारी हमदर्दी है क्योंकि हम ही ने इनको यहाँ पर बिठाया था, ये सारे साथी हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी रोज़गार कोई नहीं, सरकारी नौकरियाँ कहीं भी इनके हम 2 साल से सुन रहे हैं कहीं सरकारी नौकरी नहीं, क्या जो लेबर वाले भी दर बदर हैं, कहीं पर कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं, तो उस वक्त ये जब खुद अपने पाँव पे यहाँ पे खड़ा हुए थे तो आज इस आगजनी की वारदात से इनका जो भी थोड़ा बहुत सरमाया था वो सारा तहस नहस हो गया। पीयूष सिंगला ने आज प्रसूति एवं शिशु देखभाल अस्पताल अनंतनाग का दौरा किया और इसके कामकाज का निरीक्षण किया है। DC ने चिकित्सा अधीक्षक से अस्पताल के कामकाज और वहां उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। 179 बियन CRPF सोपोर ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत अरमपोरा सोपोर में आज एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जहां यूनिट डॉक्टर द्वारा निःशुल्क चिकित्सा जांच और परामर्श प्रदान किए गए और मुफ्त दवाएं भी दी गई हैं। प्रतिरक्षा बूस्टर मास्क सैनिटाइजर भी दिए गए हैं। स्कीम के तहत एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जिसमें कि जो भी जरूरतमंद है वो उस फोन नंबर पर डायल करेगा, डायल करके अपनी जो भी परेशानी है वो बताएगा, उसमें CRPF पे उनकी बातें सुनेगा और सुनकर के जो नियरेस्ट CRPF की बटालियन है या कंपनी है उसको निर्देश देगा ताकि जो जरूरतमंद है उसको मदद पहुँचाएगा। सर ये मेडिकल कैंप पे हम लोग CRPF सभी जगहों पे लगातार हम करते रहते हैं ताकि जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूरतमंद लोग जो हैं जिनके पास मदद नहीं पहुंच पाता है स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं, तो उसमें हम चाहते अपने डॉक्टरों के द्वारा वहां पर के आते हैं, लोग आकर के अपना
जो भी समस्या आप बताते हैं डॉक्टर उनको देखते हैं, चेकअप करते हैं और उसके बाद देखने के बाद जो भी दवा उनकी जरूरत पड़ता है उसको। बिल्कुल, हमारा यही मकसद है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उन तक हम पहुँचे ताकि उन्हें हम सुविधा प्रदान करें। पीयूष सिंगला ने संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक में डीसी कार्यालय अनंतनाग के लिए वायलू सिंहपुर टनल, धोनी पावा विल्लू रोड और धोनी पावा आशा जीपोरा रोड पर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक की कार्यवाही के दौरान इस परियोजनाओं के पूरा होने के साथ साथ कई मुद्दों पर भी थ्रेडबेयर चर्चा की गई। नौशहरा प्रशासन द्वारा पूरे नौशहरा टाउन में चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको बता दे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुखदेव सिंह संबयाल ने बताया कि पवित्र रमजान का महीना और नवरात्रि चल रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में सभी दुकानों को चेक किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का कोई पुरानी या खराब सामान ना बेच रहा हो, लोगों को अच्छा और ताज़ा बना हुआ सामान मिल सके, रेट लिस्ट के मुताबिक ही सामान बेचा जाए, उसी उपलब्ध में चेकिंग की जा रही है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे नवरात्रा फेस्टिवल शुरू हो चुका है और उसके साथ रमजान का महीना भी शुरू हो चुका है, उसी सिलसिले में ये म्यूनसिपैलिटीज़ को अपने रेवेन्यू के जो लोग हैं और इसके अलावा जो लीगल मेट्रोलॉजी वाले लोग हैं उनको क्लियरली दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो दुकानदारों में जो भी फूड आइटम्स बिक रही हैं उनकी क्वालिटी को चेक करें, प्राइस को चेक करें कि कहीं भी ओवरचार्जिंग ना हो और लोगों को बेहतर अच्छी चीज़ मिल सके और सही रेट पर मिल सके। और उसके अलावा जैसे कि पॉलीथीन बैन का डीएम रजौरी की तरफ से ऑर्डर है, उसको भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए दुकानों की चेकिंग कर रहे हैं कि और लोगों को समझा रहे हैं कि वो पॉलीथीन की जगह दूसरे विकल्प का इस्तेमाल करें। और लोगों से भी मैं आपके माध्यम से यही बात कहना चाहूँगा कि वो पॉलीथीन की बजाय अपने घर से कोई कॉटन का बैग या किसी और विकल्प को चुने कि जो कि हमारे लिए बिल्कुल ही ख़तरनाक है कि पॉलीथीन जो हम यूज़ करते हैं और अपने शहर को नौशहरा को हम पॉलीथीन फ्री बना सकें। और इसमें आप सब लोगों को यही अपील है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें और इस नौशहरा को इस पवित्र जो नवरात्रा चल रहे हैं और पवित्र रमजान का महीना है इसमें साफ़ सुथरा रख सकें और आगे भी ऐसा ही चलता रहे। देखिए, आप अगर बाज़ार में खुद ही देखिए कि लोगों काफ़ी हद तक पालन जो है, जो भी इंस्ट्रक्शंस कोरोना के ऊपर हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे लोग हैं, वो चाहे जहाँ गाड़ी वाले हैं, जो हमने पहले भी कहा था कि मास्क ज़रूर होना चाहिए, उसका वो पालन कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर कोई वायलेटर मिलता है उसको फाइन किया जा रहा है। फाइन इसलिए किया जा रहा है कि बाकी लोगों को भी इससे एक मैसेज जाए कि हमें जब भी बाज़ार में या किसी भी पब्लिक ऑफिस में जाना है, चाहे दुकानदार हो, कि हम ना किसी को बिना मास्क के बाज़ार में घूमें और ना किसी को अपनी दुकान पे आने दें, जिससे कि हम इसको इफ़ेक्टिवली कंटेन कर सकें। और जो एक, क्योंकि एक ही विकल्प है कि आप आपस में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करें, जिससे हम इस बीमारी को कंटेन करने में काफ़ी हद तक यहाँ कामयाब हुए हैं और आगे भी ये इसी तरह हम इसको कंटेन करके रख सकें।